नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। क्या अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान? क्या राजनीति में सक्रिय होने का मकसद यही है कि अब उन्हें कोई ना कोई सीट मिलती हुई नजर आएगी? कोई ना कोई सीट का जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है, तो क्या वो अपने पिता की सीट बुधनी से ही उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान की जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं बुधनी सीट का क्या होगा? क्या इस सीट को खाली करना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि 2023 में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारे गए बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, जिसके बाद इस सीट पर जीत हासिल कर लेते हैं वो। इस सीट पर चुनाव जिताने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय चौहान लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी देखे गए हैं और ऐसे में इसके बाद खुद शिवराज सिंह चौहान मांग करते हुए नजर आए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाती है। मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती है, चुनाव प्रभारी बनाना, जिसके बाद वो तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रसार प्रसार अपनी पार्टी के लिए करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, ये दावा किया जा रहा है कि विदिशा से चुनाव जीत जाएंगे, और अगर वो विदिशा से चुनाव जीत जाएंगे तो इस सीट को खाली करना पड़ेगा। इस सीट पर उपचुनाव होंगे और इस सीट पर अगर उपचुनाव होंगे तो कहा जा रहा है कि कार्तिकेय चौहान यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, अपने बेटे को चुनावी दांव पेच सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को राजनीति से दूर रखे हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पिता को जिताने के लिए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी भी मौजूद नजर आई, उनके बेटे भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में या फिर क्या दायित्व निभाया जाएगा, दिया जाएगा, इस पर कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कार्तिकेय चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।